दो पहाड़ के बीच एक रास्ता था हाँ हाँ उतरे में, हाँ वहाँ पहले पाकिस्तान था, वहाँ तक था पाकिस्तान। अच्छा, 1947 और 1948 की वॉर के बाद ये पूरा एरिया पाकिस्तान के अंदर था। ये काफी अलग लग रहा है ये वाला गांव। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर नुब्रा वैली। और लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हमने कैंपिंग की थी और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दो तीन भाई थे, मधुर भाई, चिराग और चंदन, वो उन्होंने कोई कैंप कर लिया था। तो उसी कैंप में मैं अभी खड़ा था, यहाँ पे हम थोड़ा फ्रेश हो रहे थे। तो अगर इनकेस आपको नुब्रा वैली में आने का मन हो और कैंपिंग करने का मन हो और आप चाहते हो कि ऐसा बना बनाया टेंट मिल जाए, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ये जो टेंट है ये है हैप्पी डे और काफ़ी रिजनेबल रेट के साथ है, खाना पीना सब कुछ। तो आज का प्लान ये रहेगा कि आज हम जाएंगे टूटुक और टूटुक से हम ट्राई करेंगे कि दो चार विलेज आगे जाके इंडिया का जो बॉर्डर है, चेक पोस्ट है, वहाँ तक जा पाए। मुझे नहीं पता कहाँ तक हम जा पाएंगे, तो एक बारी वहाँ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SJ व्लॉग्स। ये है लद्दाख सीरीज़ का एक नया एपिसोड। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी दिल्ली से, फिर हम रुके बिलासपुर, फिर तांडी, फिर उसके बाद सरचू, फिर लेह, फिर नुब्रा वैली, अब जा रहे हैं हम टूटुक। तो सारे एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो एक बार जाके चेक ज़रूर करना अगर अभी तक देखा नहीं है तो। बाइक्स हमारे यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे है बुलेट, यहाँ पे है डोमिनार, उसके बगल में है मेरी एडवेंचर और अपाचे 160 RTR। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आपको पूरी कहानी बताता हूँ टूटुक की, उसके आगे के जो विलेजेस हैं उनकी सारी कहानी आपको रास्ते में मोटो व्लॉग करते करते बताता हूँ यार। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, और उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। आज जहां हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है और सेंसिबल प्लेस है। तो आज के इस टूटुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कट है, इस साइड से अगर आप अंदर जाते हो तो आप हुंडर चले जाते हो, और इसी रास्ते से जो डिस्कित का रास्ता है उससे आप सीधे चले जाओगे तो थॉयसे, चांगमार और टूटुक। टूटुक है 77 किलोमीटर और टूटुक हमारा बॉर्डर एरिया पोस्ट है। तो मेरे ख्याल से अगर हम सीधा जाएंगे तो प्रतापपुर, ज़ीरो रोड बॉर्डर पोस्ट और स्कारदू, ये सारे जगह जाएंगे। यहाँ कुछ है क्या, सियाचिन, अच्छा हीलर्स, यहाँ पे शायद मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है आर्मी पीपल को। ये पूरा गांव है प्रतापपुर और यहाँ पे ITBP पोस्ट है शायद, ITBP है या आर्मी, आई एम नॉट श्योर। और यहाँ से पहले आएगा थॉयसे। बहुत सारे विलेजेस हैं इस एरिया में, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं इधर। इधर आपको बोगदांग मिलता है, त्याक्षी मिलता है, टूटुक मिलता है। तो ये कुछ विलेजेस हैं जो 1971 के वॉर के बाद इंडियन आर्मी ने इसको ऑक्यूपाई किया है। उससे पहले ये 1947 से 1948 में जो LOC बना था उसमें पाकिस्तान का पार्ट था ये। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टूटुक और बाकी सारे विलेजेस हैं त्याक्षी, ये काफ़ी सेंसिबल हैं, इमोशनल प्लेसेस हैं। यहाँ के लोगों की स्टोरीज सुन के बहुत ज़्यादा ही ऐसा, मतलब मैं अभी सुबह सुबह इंटरनेट पे एक स्टोरी पढ़ रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। तो इन सब स्टोरीज़ के बारे में भी बात करूँगा मैं इस वीडियो में। ये टूटुक इतना ज़्यादा यूनिक प्लेस है कि 2010 में पहला टूरिस्ट टूटुक विलेज में गया था, उससे पहले उन्होंने कभी बाहरी दुनिया देखी नहीं थी। 2010 में जब लोग गए थे तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि कोई फॉरेन का बंदा हमारे गांव आया है। यार अभी हुआ क्या कि मैं बाइक चला रहा था और अचानक से एक जर्क आया, तो मैंने सोचा कि सैडलिंग करके करूँ इसको क्रॉस। सैडलिंग करने के चक्कर में गोप्रो का जो माउंट होता है उससे ये जो फ्लैग है इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो टकरा गया और खींच गया, और खींचते ही भाई ये अब अलग ही
मतलब और बढ़िया लगने लगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है चालुंका पोस्ट, यहाँ से 37 है। त्याक्षी के लिए आपको सीधा जाना है, और गिलगिट में लिखा हुआ है विद इन रीच, और स्कार्दू में लिखा हुआ है विद इन रीच। गिलगिट और स्कार्दू जो जगह है वो इंडिया में नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान में है, और मतलब POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और स्कार्दू भी शायद POK में है, जहाँ तक जा सकते हैं। वैसे तो शायद नॉर्मल पीपल को नहीं जाने दिया जाता। ओ भाई आराम से यार, ये ब्रिज और इसके नीचे जो वाटरफॉल या फिर झरना या फिर, अरे अरे ये तो छोड़ो, ये देखो ये क्या है, हम किन्नौर में आ गए। ओए रास्ता यही है, अब लगता है रास्ता नहीं है, यहाँ भी रोड बन ही रहा है। मैं यू टर्न इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे कोई एक गांव है, मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके देखें कौन सा गांव है। रेवा रेवाड़ी, अरे मिट्टी है वहाँ, एक बहुत शानदार सा ब्रिज है यार। इससे पता चलता है कि इस रास्ते में बहुत कम लोग आते हैं। क्यों यार, ये देखो ये नदी कितनी प्यारी लग रही है, बहाव कितना ज़्यादा है, और सामने ये पुल। यार ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक शानदार सा ब्रिज है, हम दो भाई हैं और यहाँ के नज़ारे हैं। ये जो जगह थी यार, ये थी हुंडर से करीब 43 किलोमीटर के आगे एक ब्रिज है। जब आप मेन रोड पे आओगे तो आपको ये ब्रिज ऊपर से दिख जाएगा, आप चाहो तो नीचे नीचे आ सकते हो। बाकी अभी हमें शायद 30 किलोमीटर और जाना है, 30-40 किलोमीटर और करना है टुटुक के लिए। ये गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा जी, वाटर क्रॉसिंग, नाला क्रॉसिंग है ये। एक और पुल, यहाँ पे देखो यार कितनी सैंड आ गई है। इस पे अगर आप स्पीड पे चलाओगे तो वही होगा जो पिछले एपिसोड में विशेष के साथ हुआ था। यहाँ से क्या बढ़िया रोड है यार, इंदिरा कोल टू इंदिरा पॉइंट, भारत इज वन। यार ये एकदम अलग सा है एकदम, मतलब एक तो इतने साफ सुथरे रोड, इतनी बढ़िया वैली। अभी हम बोगदांग से करीब 9 किलोमीटर पहले हैं, पीछे हैं, पता नहीं क्या दिख जाए आगे। मैंने कभी नहीं देखा ये विलेज, कभी नहीं आया ना, इंटरनेट पे देखा ना कभी आया। तो जो आप नूबरा का
परमिट लेते हो, वो जो तीन परमिट की कॉपी बनानी होती है, वो थर्ड परमिट आपको यहाँ बोगदांग से 8 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको सबमिट करानी होती है सारे डिटेल्स के साथ। और अभी हम जा सकते हैं त्याक्षी, हम जा सकते हैं तुरतुक। अरे बादल देखो कैसे नीचे आए हुए हैं। और ये कोई छोटा सा गांव है, बोगदांग तो नहीं है, बोगदांग से पहले कोई गांव है। ये काफ़ी अलग लग रहा है ये वाला गांव। बाय, हेलो, हाय, टाटा बाय। ये यार वैसे सच बताऊं, वैसे तो इंडिया का पार्ट है पर ऐसे लग नहीं रहा लकी इंडिया का पार्ट है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने अपनी जो कल्चर है, अपनी जो है, जो भी अपना एक यूनिकनेस होता है, उसको अभी तक मॉडर्नाइजेशन के आड़े नहीं आने दिया है ऐसा लगता है। तो हम क्रॉस कर रहे हैं बोगदांग। एक तो हमारी मेंटालिटी है और दूसरा थोड़ा अलग सीनिक व्यू जो ये थोड़ा डिफरेंट बता रहा है इस पूरे एरिया को। एक्चुअली 1947 और 1948 की वॉर के बाद ये पूरा एरिया पाकिस्तान के अंदर था, और ये 1971 के वॉर के बाद ये इंडिया के पास वापस आया है। वैसे तो देखा जाए तो इसके आगे भी जो है वो भी इंडिया का ही पार्ट था, JNK का ही पार्ट था, लेकिन अभी वो POK में है। बट सिर्फ जो वॉर होता है वो ऐसे किसी लैंड को, किसी पोर्शन को अपना बना लेना सिर्फ यही एक स्टोरी नहीं बताती, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्टोरीज बनती है। ये तुरतुक एक ऐसी जगह है, त्याक्षी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा गांव है और घर का कोई जो मेन सदस्य होता है वो अर्निंग के पर्पस से कोई आगे जाता है, मतलब किसी बड़े शहर में जाता है। तो यहाँ से जो सबसे पास बड़ा शहर था वो था गिलगित बाल्टिस्तान, और वहाँ पे लोग जाते थे कमाने के लिए। तो 1971 में एक वॉर हुआ और उसके बाद जब युद्ध विराम हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो था उसको चेंज किया गया, और वो चेंज करना नॉर्मली बोलना तो बस यार वो ऐसा है कि यार वो चेंज हो गया, बट उस चेंज के कारण लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंज आया ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि एक एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और उसका जो हस्बैंड था वो था गिलगित बाल्टिस्तान में, वहाँ अर्न करता था, वहाँ पैसे कमा के ला के यहाँ अपनी फैमिली चलाता था। लेकिन जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल बदला वैसे ही वो पाकिस्तान का हो गया, ये हिंदुस्तान की हो गई। और आपको पता है कि पाकिस्तान वाले को इंडिया आना कितना मुश्किल हो जाता है और इंडिया वाले को पाकिस्तान जाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो एक साल दो साल बीत गए, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाए लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया। फिर उसके बाद ये अपने बेटी के साथ, अपनी छोटी बेटी के साथ ये वाघा बॉर्डर तक गई, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स को अपना स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने सब उनकी स्टोरी को सुना लेकिन फिर भी वो भी मजबूर थे, उन्होंने भी उनको मना किया, वहाँ से वो लौट आई। 2 साल बाद हस्बैंड का लेटर आया कि मैं आपको मिस करता हूँ, अपनी बेटी के बारे में पूछा। उसके बाद फिर 5 साल बाद ये लोग कोशिश करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद उसके हस्बैंड ने इसको बोल दिया कि मैं अब वापस नहीं आ पाऊँगा, तो मुझे आप डाइवोर्स दे दो और मैं शायद अपनी बच्ची को भी कभी नहीं देख पाऊँगा। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं। हालांकि बाद में शायद उनकी शादी उनके छोटे भाई से कर दी गई थी और उस बच्ची को यार एक तरह से फादर मिल चुका था, लेकिन ऐसी ऐसी कई स्टोरीज़ हैं। जैसे एक लड़की की शादी हुई थी और वो शादी के बाद अपने ससुराल गई जो कि बाल्टिस्तान में था, और ये तुरतुक उसका मायके, और रातों रात बॉर्डर डिवाइड हो गया। फिर वो अपनी मम्मी से नहीं मिल पाई, और मम्मी से लास्ट मिली जब उसकी मम्मी 85 की एज की हो गई थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद 2-3 महीने के लिए वो यहाँ आई थी, और उसके बाद फिर उसी टाइम उनकी मम्मी का वो एक्सपायर हो गई। तो यार ऐसे बहुत सी, ये तो 2 स्टोरीज है, ऐसे हर फैमिली में कोई ना कोई स्टोरी है कि किसी का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर या तो इस साइड रह गया या तो उस साइड रह गया। बॉर्डर नॉर्मल बॉर्डर नहीं होता, इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत सारे
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये सेंसिबल और इमोशनल गांव है तुरतुक, इसी वजह से मैं यहाँ आना चाहता था, देखना चाहता था। झूले तुरतुक कितना दूर है? बस यहाँ जाके 10 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर। ये कौन सा गांव है? ये सीपी। सीपी, अच्छा, तो ये भी पहले था वो उधर वाला पार्ट का, पाकिस्तान का ये भी था पहले? ये था ना, यहाँ जो आपको वहाँ पे घर देखा, हाँ, दो पहाड़ के बीच एक रास्ता था, हाँ हाँ, उतरे में, हाँ, वहाँ पे पाकिस्तान था, वहाँ तक था पाकिस्तान। हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से, हाँ, ठीक है, ओके जी, बाय। तो तुरतुक है यहाँ से अभी 10-15 किलोमीटर, और ये नदी देखो यार, क्या मस्त बहाव में बह रही है। तो हम लगभग एंटर कर चुके हैं, कैफे है क्या ये? बंद है लगता, तुरतुक सब बंद है, यहाँ भी सब बंद है। तो हम पहुँच गए हैं तुरतुक, और तुरतुक में पी रहे हैं कश्मीरी कावा। कश्मीरी बोले, बालिस्तानी कावा। बालिस्तानी कावा, बालिस्तानी क्यों वैसे? ये खिता जो है गिलगित बाल्टिस्तान में आता है। अच्छा, तो भाई दो गांव जो है। यासिर भाई एक बात बताओ जी, एक बात बताओ, ये जो तुरतुक है ये क्यों फेमस है? तुरतुक फेमस है, तुरतुक में पत्थर का काम होता है। अच्छा, पहले ज़माने से होता आया, और यहाँ पे पत्थर के कुकर और हंडियाँ बना करते थे। और पहले जब ये कुकर नहीं आते थे जो आजकल हमारे पास प्रेस्टीज वगैरह होते, हाँ, तो इन्हीं में यहाँ के लोग यहाँ इसी में खाना बनाते थे। अच्छा, यॉर्क का मीट बनाते थे और दूसरा मीट बनाते थे और मछली बनाते हैं। अच्छा, तो वो बहुत बेहतरीन बनता और गर्म रहता है काफ़ी, और वो काफ़ी स्लो 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 आँच पे वो पकता रहता है। हाँ, और जो स्टोन तो है ये तो एक खाना बनाने के लिए एक दिन पहले रख देते होंगे। हाँ, रात में रखते थे उसको, धीरे 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 आग पे वो पक के फुलकुल, क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पे प्रेशर, एयर प्रेशर कम है, उसकी वजह से यहाँ पर इस पूरे लद्दाख खत्ते में कोई भी चीज़ पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दाल का सॉफ्ट यानी गलना वगैरह वो मुश्किल हो जाता है। तो भैया ये स्टोरी थी तुरतुक की पहले, तो ये थी भाई कहानी तुरतुक की। तो यहाँ हम पी रहे हैं कश्मीरी कावा, शाही तो कावा बोलते हैं इसको, शाही कावा, शाही चीयर्स। और मैगी में जो ये लोकल धनिया यहाँ का डाला है, It smells marvelous. Hi, Gerdon. जी, 71 से पहले हम पाकिस्तानी था ना। 71 से पहले, अभी आप हिंदुस्तानी हैं। अभी हिंदुस्तानी हो गया 71 के बाद। हमारा रिश्तेदार वहाँ रह गया ना, कोई आधा इधर रह गया, दो चार रिश्तेदार वहाँ रह गया। अच्छा, मुलाकात नहीं हो गया कुछ, ऐसे बस बच्चे सच्चे हैं। हाँ, बाकी डेड हो गया।